मैं हूँ बियर ग्रिल्स और मैं आपको दिखाऊंगा दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों से कैसे जिंदा बाहर निकला जा सकता है। आज मैं अपने पायलट के साथ सहारा डेजर्ट जा रहा हूँ। वहां मुझे कम से कम 100 दिन तक सर्वाइवल करना होगा और तभी मेरा पायलट मुझे लेने आएगा, बस जैसा पिछली बार हेलीकॉप्टर फूटा था वैसा ना हो। अरे कहाँ हो, जल्दी आओ ना। आ गया, पहुंच गया मैं। आज भी हमारे साथ वही पायलट जा रहा है। आज तो नहीं फोड़ोगे हेलीकॉप्टर? अरे नहीं फूटेगा भाई, उस समय भी नहीं फूटता, तुम जैसे लोगों की वजह से फूट गया वहाँ पे। अरे ठीक है, आज तो संभाल लोगे ना? कम से कम संभाल लेंगे, तुम टेंशन मत लो भाई। सबसे बढ़िया बेहतरीन हवाई जहाज चलाने वाले के साथ जा रहे हो आज तुम। अरे बस तुम टाइम पे आ जाना, वही बहुत बड़ी बात है। अरे टाइम पे आ जाएंगे। नंबर तुम्हारा यही है ना, 989? हाँ, जिस पे मिलाया था ना पिछले बार, वही है बस। ठीक है, अब लैंड करो फटाफट से। अरे उड़ाता हूँ, रुको। अरे लैंड करने को कहा था, स्पीड तेज करने को नहीं। अरे 20 साल का तजुर्बा है मुझे। अबे 20 साल के तजुर्बे, सामने 20 फीट की दीवार है, ऊपर उड़ा। और उसके बाद भाई मेरी आंखें खुली तो भाई मेरा प्लेन पूरा क्रैश हो चुका था। हर जगह पे आग लगी हुई थी, प्लेन के अंदर से धुआं भी निकल रहा था। जिससे प्लेन बनता था वो वाली टेबल भी पूरी खराब हो चुकी थी। ये सब उस 20 साल के तजुर्बे वाले पायलट ने किया था, लेकिन मेरे को पायलट देखना था भाई, मेरा पायलट कहाँ है? फिर मेरे को पता चला भाई वो तो जख्मी हो चुका था पूरी तरह, उसके शरीर से खून बह रहा था। हाँ भाई 20 साल के तजुर्बे, इस बार भी फोड़ दिया प्लेन। पानी? अरे पानी तो नहीं है मेरे पास, रुको मैं लेके आता हूँ। इसलिए भाई मैं फटाफट से पानी लेने चल दिया, क्योंकि भाई पायलट की हालत बिल्कुल सीरियस थी, क्योंकि प्लेन क्रैश के दौरान उसको काफी ज्यादा चोटें आ रखी थी, पूरा शरीर उसका जख्मी था। जब मैं पानी के पास पहुंचा तो भाई पता चला भाई ये पानी तो खारा है, क्योंकि ये समुद्र का पानी था। इसलिए भाई मैं बिना पानी लिए उसके पास वापस गया। ले आए पानी? अरे वो समुद्र का पानी था इसलिए वो खा रहा है, लेकिन रुको मैं अभी यहीं कहीं से पानी ढूंढ के लाता हूँ तुम्हारे पास। भाई पायलट को भाई मेरे को कैसे भी करके बचाना था, जानता हूँ उसी ने ये प्लेन क्रैश किया था, लेकिन भाई उसने जानबूझ के नहीं किया। थोड़ी दूर चलने के बाद भाई मेरे को एक झील दिखाई दी, उसके अंदर तो भाई मीठा पानी था और झील के किनारे तो काफी सारे पेड़ भी थे। और जब मैंने उन पेड़ों पे नजर मारी तो भाई पता चला कि वहाँ पे कोई बैठा हुआ था, उसने वहाँ पे आग भी जला रखी थी। इसलिए भाई मैं फटाफट से उससे मिलने चल दिया, और जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, हेलो अंकल। अरे तुम कौन हो? अरे मैं हूँ बियर ग्रिल्स। हाँ? बियर ग्रिल्स? बियर प्लीज? अरे बियर प्लीज नहीं, बियर ग्रिल्स। अच्छा कहाँ के रहने वाले हो? अलाहाबाद साइड से हैं हम। क्या बात कर रहे हो? और क्या, वहीं से तो हैं। अरे वहाँ तो हमारा बहुत बड़ा बड़ा खेत है। ऐसा क्या? अलाहाबाद में कहाँ रहते हो? अलाहाबाद में चौरसिया पान वाली गली है, उसके बगल में। चौरसिया पान? उल्टो हमारा घर है भाई। क्या बात कर रहे हो? हाँ, क्या तुम पिंटू बिजली वाले को जानते हो? पिंटू बिजली वाला? हाँ। अंकल से बात करते करते भाई मैं ये भूल चुका था कि भाई मेरा पायलट वहाँ पे जख्मी पड़ा हुआ है। नहीं नहीं, पिंटू बिजली वाला। तभी भाई मेरे को अपने पायलट के बारे में अचानक से याद आया। अरे अंकल मैं तो यहाँ पे कुछ और करने आया था। कुछ और? अरे मेरे दोस्त को वहाँ पे चोट लगी हुई है, इसलिए मैं यहाँ से पानी ले जाने आया था। क्या बात कर रहे हो? हाँ, काफी ज्यादा चोट लगी हुई है उसको। अरे तुम एक काम करो, फटाफट से मेरी गाड़ी लेके जाओ, अपने दोस्त को वहाँ से यहाँ ले आओ, मैं फटाफट से ठीक कर दूंगा उसको। ओ थैंक यू अंकल जी, मैं फटाफट से उसको लेके आता हूँ यहाँ पे। उसके बाद मैं अंकल की गाड़ी लेके चल दिया अपने दोस्त को लेने। पानी पानी? अरे मैं पानी लेके नहीं आया, वो क्या है ना वहाँ पे मेरे को एक अंकल मिल गए, उनके पास काफी सारा पानी है। चलो मैं वहीं पे लेके चलता हूँ तुम्हें, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा गर्मी भी है। उसके बाद मैंने फटाफट से पायलट को उठाकर अपने गाड़ी के अंदर रख के उन अंकल के पास चल दिया। अरे आ गए, वहाँ लगा दो गाड़ी, हम देखते हैं इस बछुआ को। ठीक है अंकल, लगा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद अंकल ने पायलट को देखा और मेरे को बताया, बछुआ इसकी हालत तो बहुत बुरी है। हालत बुरी है? मतलब यह कि हम इसका इलाज नहीं कर पाएंगे। अरे अंकल आपके अलावा यहाँ पे और कोई भी नहीं है, प्लीज इसको ठीक कर दो। देखो इसको हम नहीं ठीक कर पाएंगे, पर एक बंदा है जो इसको ठीक कर सकता है। कौन? डॉक्टर राकेश। डॉक्टर राकेश? ये कौन है? अरे बहुत जाने माने डॉक्टर हैं भाई, मुर्दे को जिंदा कर देते हैं। क्या बात कर रहे हो? हाँ। पर वो रहते कहाँ है मेरे को बताओ। अरे मैं तुमको उनका एड्रेस दे दूंगा, तुम सुबह सुबह जल्दी निकल जाना। उसके बाद अंकल भी सोने चले गए थे, लेकिन अंकल ने मेरे को बताया था कि वहाँ तक पहुँचने में मेरे को काफी ज्यादा दिन लगेंगे, और खाना वगैरह पकाने के लिए मेरे पास कोई बर्तन भी नहीं था। इसलिए भाई मैंने इनका एक बर्तन ले लिया और फटाफट से जाके सो गया।
सुबह सुबह चिड़ियों के चहकने की आवाज आ रही थी। सुबह मेरे को जल्दी जल्दी निकलना था तो इसलिए भाई मैं फटाफट से उठ गया। तो ठीक है अंकल मैं जा रहा हूँ। ठीक है जाओ और इसको फटाफट से डॉक्टर राकेश को दिखाओ। फिर उसके बाद मैं अंकल की गाड़ी पर बिठाकर पायलट को डॉक्टर राकेश को दिखाने चल पड़ा। काफी ज्यादा गर्मी थी रेगिस्तान पर, दूर दूर तक कहीं पर भी पानी नहीं था और ना ही एक भी पेड़ था जिसकी छाँव के अंदर मैं थोड़ी देर तक बैठ सकूं। दिन से रात होते होते बारिश शुरू हो गई थी। काफी ज्यादा बारिश की वजह से भाई मैंने वहीं पर थोड़ा रुक जाने का सोचा, क्योंकि भाई पायलट और भी ज्यादा बीमार हो सकता था बारिश की वजह से। भूख भी काफी लग रही थी इसलिए मैंने उसी मिट्टी के टीले के नीचे कैरेट का सूप बनाया, और पायलट ने सुबह से कुछ खाया नहीं था तो भाई इसलिए मैंने फटाफट से पायलट को भी खिला दिया। उसके बाद भाई मैं खुद भी पीकर सो गया क्योंकि भाई मैं खुद भी काफी ज्यादा थक गया था। अब अगली सुबह भाई मैं फटाफट से जल्दी जग गया था क्योंकि भाई मेरे को डॉक्टर राकेश के पास जल्दी से जल्दी पहुंचना था, इसलिए भाई मैं निकल पड़ा दोबारा से डॉक्टर राकेश की खोज में। काफी सारे दिन रात गुजरने के बाद आखिरकार मेरे को डॉक्टर राकेश का गांव मिल गया। इसकी हालत तो काफी ज्यादा खराब है। अरे हाँ हाँ वो तो पता ही है, बट आप इसको बस ठीक कर दो। अबे हलवा नहीं है जो जल्दी से ठीक कर दूं इसे, इसकी हालत ज्यादा ही खराब है। अरे हाँ पता है, पर आप बस ठीक कर दो इसको जल्दी से। ठीक तो मैं कर दूंगा, लेकिन मेरे को दो जादुई सामान चाहिए। जादुई सामान? हाँ, और वो भी जल्द से जल्द, वरना ये 2 महीनों के अंदर मर जाएगा। अरे आपके पास नहीं है क्या वो सामान? अबे हलवे अगर मेरे पास होता तो मेरे को चाहिए क्यों होता? अरे मतलब कहाँ मिलेगा मेरे को बताओ, मैं फटाफट से लेके आता हूँ। ईस्ट साइड कोहिमा, वेस्ट साइड कंडला, नॉर्थ साइड कश्मीर, साउथ साइड कन्याकुमारी, ऑल साइड मिला के इंडिया बनता, जहाँ का बच्चा बच्चा डॉक्टर उड़नछू को जानता। डॉक्टर उड़नछू? हाँ डॉक्टर उड़नछू, उन्हीं के पास वो 2 जादुई दवाई मिलेगी। तो यानी कि मेरे को बस वही दवाई लेके आनी है? हाँ। पर लेकिन होगा क्या उससे? अबे हलवे इलाज तो उसी से होगा। ओह ऐसा क्या? इसके पास ज्यादा समय नहीं है, फटाफट जाओ दवाई लेके आओ। ओह ठीक है ठीक है ठीक है, मैं जा रहा हूँ। और उसके बाद मैं चल दिया जादुई दवाई लेने, जिसकी मदद से हमारा पायलट फिर से ठीक हो जाएगा और उसके बाद भाई हम फाइनली घर जा सकते हैं। रास्ते में मेरे को हाथी भी दिखाई दिए भाई, जिसे देखकर भाई मेरे को अपने मोगैम्बो की याद आ गई। अगर इस वक्त मेरे पास मोगैम्बो होता तो भाई हमारे लिए रास्ता काटना कितना आसान हो जाता, लेकिन अभी तो मेरे को अपने पायलट को बचाना था तो इसलिए भाई मैं चल पड़ा दोबारा से डॉक्टर उड़नछू से वो दवाई लेने। काफी दिन चलने के बाद भाई मैं थक गया था, इसलिए भाई मैं जगह ढूंढ रहा था जहाँ पे मैं थोड़ा सा आराम कर सकूं। तभी भाई मेरे को अचानक से घोड़े और ऊंट दिखाई दिए और वहाँ पे रोशनी भी थी, तो इसलिए भाई मैं फटाफट से वहाँ चल दिया। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ पे एक बूढ़े अंकल दरवाजा खोल के खड़े हुए थे। हेलो अंकल। राम राम। ओ हाँ राम राम। अरे बेटा तुम कौन हो? मैं हूँ बियर ग्रिल्स। बियर प्लीज? अरे बियर प्लीज नहीं, बियर ग्रिल्स। क्या? बियर ग्रिल्स। ये बताओ बियर प्लीज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे वो मैं अपने दोस्त के लिए दवाई लेने जा रहा था। अरे बेटा तुम्हारे पास क्या खाना है? खाना? हाँ खाना। वो क्या है ना, मेरे पास अब खाना बचा नहीं है, क्या तुम अपने में से खाना दोगे मुझे? अरे अरे क्यों नहीं अंकल जी, आ जाओ साथ में खाते हैं खाना। उसके बाद भाई हम दोनों ने मिलके आग जलाई और खाना पकाया क्योंकि भाई मेरे को भी काफी ज्यादा भूख लग रही थी। फिर बातों ही बातों में मैंने अंकल जी को बताया कि मैं डॉक्टर उड़नछू के पास दवाई लेने जा रहा हूँ, लेकिन अंकल ने मेरे को बताया कि भाई मैं गलत रास्ते जा रहा हूँ और यहाँ से मैं कम से कम 30 किलोमीटर उल्टा आ गया था। अंकल को मैंने अपनी तकलीफ बताई कि मेरा एक दोस्त है जिसको इतनी ज्यादा चोट लगी हुई है कि भाई वो सिर्फ 2 महीने के अंदर मर जाएगा। फिर अंकल ने कहा कि सुबह सुबह तुम मेरा घोड़ा ले जाना ताकि मैं जल्दी से दवाई लेके अपने दोस्त का इलाज करा सकूं। भाई ये सुनकर तो मैं काफी खुश हो गया था क्योंकि भाई मैं भी काफी ज्यादा चल चल के पैदल थक चुका था। दोनों ने खाना खा लिया था और काफी ज्यादा रात भी हो गई थी तो इसलिए मेरे को नींद भी आ रही थी, तो इसलिए भाई हम दोनों सो गए। सुबह होते ही अंकल जी ने मेरे को अपना घोड़ा दे दिया और उस घोड़े को मैंने अपने गाड़ी के ऊपर बांध दिया और जाते जाते अंकल जी को भाई मैं काफी सारा खाना भी दे आया था। और उसके बाद मैं फाइनली चल दिया डॉक्टर उड़नछू को ढूंढने, और जो कि मेरे को अब ये भी पता था कि वो कहाँ रहते हैं। बूढ़े अंकल ने कहा था कि वो एक उड़ते हुए गाँव में रहते हैं और उनके पास हर तरीके की दवाइयाँ मिलती हैं। फिर
कुछ दिन तक चलने के बाद भाई रेगिस्तान को मैं पार कराया था और अब मैं पहुंचने ही वाला था डॉक्टर उड़नछू के पास। लेकिन यहाँ पे काफी ज्यादा पेड़ होने के कारण मेरा घोड़ा कई बार अटक चुका था और मेरी गाड़ी भी इन पेड़ों के बीच में कई बार फंस चुकी थी। तो इसलिए भाई मैंने घोड़े को एक पेड़ के नीचे छोड़ दिया और पैदल ही चल पड़ा दवाई लेने। पैदल चलने के दौरान भाई मैंने काफी सारे जानवर भी देखे और थोड़ी दूर चलने के बाद भाई मेरे को उड़ता हुआ वो गाँव मिल गया जहाँ पर डॉक्टर उड़नछू रहते हैं। फिर मैं फटाफट से दवाई लेने चल दिया उस गाँव के अंदर, लेकिन वो तो काफी ज्यादा ऊंचा था तो इसलिए भाई मैं डायरेक्ट तो नहीं जा सकता था। तो इसलिए भाई मैंने थोड़े से लकड़ी वगैरह तोड़ना शुरू कर दिया ताकि मैं ब्लॉक को एक के ऊपर एक रख के उस गाँव के अंदर जा सकूं। उसके बाद मैं गांव के ठीक एकदम नीचे आ गया और जितने भी लॉक्स थे उसके प्लैंक्स बना लिए और चल दिया गांव की तरफ। भाई हवा में उड़ने वाला ऐसा गांव मैंने आज तक नहीं देखा था। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं। थोड़ी देर तक चढ़ाई करने के बाद मैं गांव के अंदर पहुंच गया। अब गांव के अंदर बस मेरे को डॉक्टर उड़नछू ढूंढने थे। वहीं मेरे को एक अंकल मिले। अंकल ने बताया कि वो सामने रहते हैं, तो यानी कि यहीं पे रहते हैं डॉक्टर उड़नछू। भाई मैं फटाफट से चल दिया डॉक्टर उड़नछू को ढूंढने। फिर थोड़ी ही देर बाद मेरे को डॉक्टर उड़नछू मिल गए। डॉक्टर उड़नछू? हां भाई, मेरा नाम है डॉक्टर रणछू, बोलो क्या काम है? अरे आपसे मेरे को दवाई लेनी थी। अच्छा, तुमको उस रेगिस्तान वाले मेरे दोस्त ने भेजा है? हाँ, उन्होंने भेजा है मेरे को। अरे, उसने मेरे को पहले ही बता दिया कि तुम्हारे दोस्त बहुत ज्यादा बीमार है। हाँ डॉक्टर उड़नछू, वो मेरे दोस्त को काफी ज्यादा चोट लग गई है। वो हमारा एरोप्लेन क्रैश हो गया था। उसको ठीक करने के लिए तो मेरे पास एक दवाई तो है, पर एक और दवाई चाहिए होगी जो कि मैंने थोड़ी देर पहले एक राजा के मंत्री को दी है, और अब मेरे पास वो दवाई बची नहीं है। और वो दवाई काफी ज्यादा कीमती है। वो दवाई सिर्फ हर साल एक बार मिलती है, और इस साल वो राजा के मंत्री वो मेरे से दवाई ले चुके हैं। तो मैं अब तुमसे बस यही कहना चाहूंगा, सॉरी, हम आपके दोस्त को नहीं बचा पाएंगे। अगर मैं वो दवाई ला दूं तो? देख लो, अगर तुम वो दवाई ला सकते हो तो भाई तुम्हारे दोस्त की जान बच सकती है, वरना तो भाई सब अल्लाह के हाथ में है। ठीक है, कम से कम आप एक दवाई तो दो। ये लो। उसके बाद भाई मैं एक दवाई लेके फटाफट से निकल लिया उस गांव वाले डॉक्टर को देने, ताकि भाई कम से कम इस दवाई से तो इलाज कर सके। अंकल ने जो घोड़ा दिया था भाई, वो भी मेरे बहुत काम आया था। उसकी मदद से भाई मेरी थकान बहुत कम हो गई थी। अब काफी ज्यादा सफर करने के बाद आखिरकार मैं अपने गांव पहुंच गया जहाँ पे मेरे पायलट का इलाज चल रहा था। पायलट की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। दवाई देके मैं वापस से चल दिया राजा के पास, क्योंकि भाई मेरे पास वक्त बहुत कम था। बस मैं सफर करते करते यही सोच रहा था कि कहीं राजा ने वो दवाई इस्तेमाल ना कर ली हो, क्योंकि अगर उन्होंने दवाई यूज कर ली तो भाई मेरा पायलट मर जाएगा। फिर काफी ज्यादा सफर करने के बाद भाई मेरे को राजा तो नहीं मिला, बट एक आदमी दिखाई दिया। वो शांत एक लकड़ी की छत के नीचे खड़ा था। तो भाई मैं चल दिया उससे पूछने के राजा के घर कहाँ है। मैंने उससे बात की तो भाई पता चला कि उसको पता है राजा का महल कहाँ है, लेकिन भाई वो मेरे को फ्री में नहीं बताना चाहता था। उसने मुझसे कहा कि मेरे को ये घोड़ा गाड़ी दे दो, तभी मैं तुमको बताऊंगा राजा का महल कहाँ है। मेरे पास और कोई भी चारा नहीं था, क्योंकि भाई मेरे को जल्दी से जल्दी उस राजा के पास जाना था वो दवाई लेने। तो इसीलिए भाई मैंने उसको अपनी घोड़ा गाड़ी दे दी और राजा का पता ले लिया, और उसके बाद पैदल ही चल दिया राजा ढूंढने। काफी ज्यादा सफर करने के बाद आखिरकार भाई मैं राजा के पास पहुंच गया। लेकिन राजा के पास पहुंचने पर मेरे को पता चला कि भाई वहाँ पे तो दंगल चल रहा था। भाई मुझे लग रहा था कि मैं गलत टाइम पहुंच गया हूँ दवाई मांगने राजा के पास, क्योंकि भाई दवाई का तो पता नहीं पर मार जरूर मिलेगी मेरे को। लेकिन भाई मैं हिम्मत करके फिर भी राजा के पास चला गया। महाराज की जय हो। तुम इधर तितली आए हो? तितली? अलग, तुम इधर तितली आए हो? अच्छा, मैं इधर किस लिए आया? अरे, वो मेरे को दवाई चाहिए थी आपसे। तुम्हें दास्ता दिदाई देता हूँ ता। देता हूँ दा? अल्लाह, तुम्हें ता मैं दास्ता दिदाई देता हूँ। अरे अच्छा, तुम्हें क्या डॉक्टर दिखाई देता हूँ? अरे नहीं, वो क्या है ना, आपके पास मेरी दवाई है। कौन सी दवाई? अरे वो जो आपके हाथ में है, वही वाली दवाई चाहिए मेरे को। अल्लाह, वो तो मैं लाया हूँ अपने लिए। अरे राजा जी, प्लीज ये वाली दवाई मेरे को दे दो, क्योंकि मेरे दोस्त की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो कभी भी मर सकता है। ठीक है, मैं चलो तो दे दे वाली दवाई दे दूंगा। दे दूंगा? अल्लाह ठीक है, मैं तुम्हें ये वाली दवाई दे दूंगा। थैंक यू राजा जी। तभी राजा के पास भाई एक आदमी आया और उनको कान में कुछ बताने लगा। ठीक है, मैं तुम्हें दे वाली दवाई दे दूंगा, लेकिन तुम्हें दोस्ती करनी होगी। दोस्ती करनी होगी? अरे ठीक है, कोई बात नहीं, हम आज से दोस्त हैं। अल्लाह, तुम्हें दोस्ती करनी होगी। दोस्ती? कुश्ती? हाँ, कुश्ती। भाई काफी ज्यादा टाइम वैसे ही हो गया था, तो इसलिए भाई मैंने कुश्ती के लिए हाँ बोल दी। ठीक है राजा जी, मैं करूँगा कुश्ती। तो द मैदान में आदित्य मेरे पहलवान थे। तो अब मेरे को लड़नी थी कुश्ती, तभी भाई मेरे को राजा वो दवाई देगा। कुश्ती को देखने काफी ज्यादा लोग आए हुए थे। अगर मैं ये कुश्ती हार जाता तो काफी ज्यादा बेइज्जती भी होती। लेकिन तभी मैंने देखा कि भाई जिससे मेरी लड़ाई होने वाली थी भाई, वो तो पूरा पहलवान था। ओ भाई, ये मैंने क्या कर दिया भाई, गलत जगह हाँ बोल दिया था मैंने। भाई मेरा
मेरा दोस्त बचे या ना बचे, पर मैं जरूर मर जाऊंगा इस पहलवान के द्वारा। भाई ये मेरे पीछे हाथ धो के पड़ चुका था। अरे कोई मेरे को यहाँ से बाहर निकालो भाई, ये तो मेरे को मार डालेगा। लेकिन यहाँ पे मेरे को कोई बचाने वाला नहीं था, ये पहलवान मेरे को मारता जा रहा था। अरे पहलवान छोड़ देना भाई, क्यों मेरे को मार रहा है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा भाई, मैं तो सिर्फ यहाँ पे दवाई लेने आया हूँ। अरे भाई छोड़ देना मेरा पीछा भाई। भाई मैंने इसको इतना गोल गोल घुमाया फिर भी इसको चक्कर नहीं आया। बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर लिया था इसने मेरा, अब बारी थी इसको मारने की। इसको भाई मैं कुल्हाड़ी पे कुल्हाड़ी मारता गया, पर भाई ये मेरे को भी मारे जा रहा था। लेकिन फिर मैंने आखिरकार इसको मार ही डाला। ओ भाई कुश्ती खत्म। तो यानी कि अब राजा से मेरे को दवाई मिलेगी जिससे कि हमारा पायलट ठीक होगा और हम घर जा सकेंगे। लेकिन तभी वो पहले वाला आदमी राजा के पास गया और खुसुर पुसुर करने लगा कुछ। अभी तम हो गई तुस्ती, पीता तो देता। अरे भाई मैंने पीछे देखा तो ये पहलवान फिर से आ गया था। अरे भाई बचा लो इससे भाई, ये तो बार बार आए जा रहा है। लेकिन भाई मैंने फिर से हिम्मत करके इसको फिर से मारना शुरू किया। लेकिन भाई तभी मेरी कुल्हाड़ी टूट गई। एक कुल्हाड़ी की मदद से ही तो ये मर रहा था, और वो भी टूट गई। लेकिन मेरे पास तो लकड़ियां थी, तो इसलिए भाई मैंने फटाफट से कुल्हाड़ी बनाने का ट्राई किया। लेकिन मैं सिर्फ क्राफ्टिंग टेबल ही बना पाया तभी इसने मेरे पीछे हमला कर दिया। मैं काफी ज्यादा बाल बाल बच रहा था मैं उस पहलवान से। कुल्हाड़ी को बनाने के लिए फटाफट से मैंने क्राफ्टिंग टेबल को नीचे रख दिया। लेकिन कुल्हाड़ी बनाने से पहले भाई वो आ गया था मेरे पास। भाई बिना कुल्हाड़ी के तो भाई मैं इससे बिल्कुल नहीं जीत सकता था, इसलिए भाई मैंने फिर से कुल्हाड़ी बनाने का ट्राई किया। लेकिन भाई इसने फिर से मेरे को मार के भगा दिया। भाई ये भी जानता था कि अगर मैंने कुल्हाड़ी बना ली तो भाई ये मर जाएगा, तभी मेरे को ये बार बार कुल्हाड़ी बनाने से रोक रहा था। लेकिन जब ये दूर था तो मैं फटाफट से क्राफ्टिंग टेबल के पास भागा ताकि मैं बना सकूं अपनी कुल्हाड़ी। क्राफ्टिंग टेबल के पास पहुंच के फटाफट से कुल्हाड़ी बनाना शुरू कर दिया, और यहाँ पहलवान मेरे पीछे आ गया था मेरे को मारने। दो चार घूंसे खाने के बाद मैंने आखिरकार अपनी कुल्हाड़ी बना ली थी। भाई ये अब बिल्कुल नहीं बचने वाला मुझसे। अब मैंने इसको मारना शुरू किया, लेकिन भाई ये मेरे को भी मारे जा रहा था, इसलिए भाई फटाफट से थोड़ा दूर भाग गया इससे। और उसके बाद मैंने आखिरकार इसको मार डाला। ओ भाई मैंने इसको मार दिया राजा जी, मैंने इसको मार डाला। अल्लाह तुम तो बहुत ताकत पल हो। उसके बाद मैंने फटाफट से राजा से दवाई ली और यहाँ से निकल गया। गांव पहुँच के फटाफट से डॉक्टर को मैंने दूसरी दवाई भी दे दी। फिर डॉक्टर ने मुझसे थोड़ी देर बाहर वेट करने को कहा। अब बस भाई मेरा पायलट ठीक ही होने वाला था। फिर थोड़ी देर बाद हमारा पायलट कमरे से बाहर आ गया। और पायलट ठीक हो गए? हाँ हो गए भाई, ठीक हो गया मैं। वैसे सच सच बताओ पायलट, कितने हवाई जहाज फोड़ने का रिकॉर्ड बनाओगे? अरे वो भाई आंख लग गई थी हमारी थोड़ी सी। आंख लग गई थी, सब बहाने हैं तुम्हारे। अब चलो फटाफट से प्लेन को ठीक करो जो तुमने तोड़ा है। चल ले भाई। अरे ये क्या हो गया? ये तुमने हवाई जहाज फाड़ दिया। और सुनो, जो प्लेन वर्कबेंच जिससे एरोप्लेन बनता था वो भी फाड़ दिया। और कुछ रह गया था फाड़ने के लिए? अरे टेंशन वाली बात ही नहीं है भाई, मेरे पास एक कॉल है। क्या है? प्लेन वर्कबेंच? हाँ पता नहीं है तुम्हें, ये देखो। अरे वाह, तुम्हारे पास तो प्लेन वर्कमैन भी था, मेरे को पहले क्यों नहीं बताया? अब फटाफट से बनाओ हवाई जहाज और निकलते हैं यहाँ से। हाँ अरे देखो मैंने बना लिया। ओ भाई बना लिया तुमने? हाँ बन गया, आ जाओ बैठ जाओ। रुको बैठता हूँ। अरे तुम आगे क्यों ले गए भाई, मेरे को तो आने दो। अरे बैठो बैठो जल्दी बैठो। अरे रुको रुको, बस ये लो बैठ गया। चलो फटाफट से उड़ा दो इसको। ओ भाई हम फिर से बच गए।